हे गाइस वेलकम बैक टू माय माय चैनल बच्चों नेम इज आदिश और हम लोग पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं फॉर एच क्लास इलेवन महाराष्ट्र बोर्ड तो अब तक हमने तीन वीडियोस तो ले लिया है आप लोग uh, so, आप लोग लोग ने ने आई होप सो देख लिया होगा वो सारे तीन वीडियो जहां मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेश्चन लिए है अब तक तो हमने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक कंप्लीट किया है अभी और भी क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज वन को कम्प्लीट करने के लिए आई होप सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज वन वन बहुत बड़ा है एंड उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लेना बनता है because अभी तो शुरुआत हो चुका है तो एवरी क्वेश्चन में कोशिश तो कर रहा हूं लेने के लिए तो यहाँ पे question number 15 तक तो ले लिया है आज हम लोग कवरअप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वैसे यहां दिखने के लिए सिर्फ चार ही क्वेश्चन है हमारे पास बट सारे क्वेश्चन जो है थोड़े से हायर ऑर्डर के है थोड़े सोचने वाले हैं थोड़े सोचने में मजबूर करने जैसे हैं एंड बड़े बड़े भी हैं इसलिए ये चारों क्वेश्चन हम लोग आज लेने वाले हैं एंड सिर्फ चार लेंगे इसको अच्छी तरह से समझना बच्चों बिकॉज कुछ क्वेश्चन इसमें प्रूफ वाले भी है ओके okay, तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज वन का दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अगर आप लोग देखोगे वो ऑलमोस्ट सेम है इसलिए मैंने नहीं लिया है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से ही स्टार्ट करो आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देख लेना तो इफ ए इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अपॉन टू बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा प्रूफ करना सीख जाओगे ना तो बी स्क्वल आ जाएगा मैंने तो आप लोग को दोनों भी मेथ सिखाया है दोनों भी चीजें सिखाई है बट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं बी स्क्वल टू ए के लिए तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन करने का है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू देख रखा है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू एंड बी का वैल्यू देख रखा है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो है ए स्क्वायर इज करना मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड एल जो है वो ए एंड वो हमें सॉल्व करते जाना है एंड हमें बी का वैल्यू मतलब बी आना चाहिए उस सॉल्व करने से तो इसलिए मैंने एल एच एस ले लिया ए स्क्वायर तो ए का वैल्यू अगर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू है तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो स्क्वायरिंग अगर हम बोथ द साइड करेंगे तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू का भी तो स्क्वायर होगा सिंपल है अभी ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा इसको सॉल्व करते जाना है इतना सॉल्व करना है करना है जब तक तब तक सिंप्लीफाई होने के बाद इसका आंसर आपके बी के वैल्यू तक मिलता नहीं है तो जब आप लोग को बी का वैल्यू मिल जाएगा इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा मतलब इसका अप्रोच बड़ा सिंपल है अभी आप लोग को इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायरिंग करते वक्त आई होप सभी लोगों को पता है कि रेस्पेक्टिव स्क्वायर मिलते हैं मतलब ऊपर स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा एंड टू का स्क्वायर तो फोर होता है यहां तक तो सारे चीजें सिंपल है बराबर है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऊपर आप लोग देखोगे तो एक एल्जेब्रेक आइडेंटिटी है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का विच यू कैन राइडाइज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन होता है प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री आयोटा मतलब टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री आयोटा वैसे लिख लिया प्लस स्क्वायर मतलब रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री होता है एंड आयोटा का स्क्वायर वैसे रखा हो डिडेड बाई फोर हो जाएगा सिंपल है अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो टू इंटू माइनस वन माइनस टू देगा तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू रूट थ्री आयोटा एंड उसके बाद में आप लोग देख सकते हो प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर नेगेटिव वन होता है तो ये माइनस थ्री बन जाएगा अपने आप अब तक तो आपको ये सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो चुका रहेगा डिवाइडेड बाय फोर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर आप लोग को वन माइनस थ्री करके दिख रहा है तो वन माइनस थ्री में कुछ कॉमन लिया जा सकता है कि जरा सोचो तो यहाँ पे हा हम लोग को यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है एंड दोनों के पास टू कॉमन है वैसे तो नेगेटिव टू भी कॉमन है बट नेगेटिव टू लेकर कुछ फायदा नहीं होगा बिकॉज मुझे बी के वैल्यू तक पहुंचना है तो मैंने टू को कॉमन लिया अगर हम टू को कॉमन लेते तो बचता क्या है बच्चों माइनस वन बचेगा एंड And... 3 बचेगा उसके बाद डिवाइडेड बाय फोर होगा अगर आप देखोगे का देखोगे तो क्या ये वैल्यू मेरे बी के वैल्यू मैच कर रहा है क्या डेफिनेटली मैच कर रहा है मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता देर फोर ए स्वायर इज इक्वल टू बी बन गया एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी को प्रूफ करना मैंने

रह जाते तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड देन वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं अब मैं यहां जाएगा यहाँ पे माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू का होल स्क्वायर बनेगा सिंपल Okay, यहाँ पे फिर से माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा द होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर होगा बिकॉज टू का स्क्वायर तो फोर होता है अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है बच्चों से एक्चुअली दिस इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है तो जरा संभल कर साइन डालना तो ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा माइनस टू ए बी टू इंटू ए इंटू बी टू इंटू माइनस वन इंटू रूट थ्री आयोटा होगा समझ में आ गया टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर तो वो तो सेम ही रहने वाला है थ्री आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय फोर होगा सिंपल है और फिर से वही काम करो बच्चों बट इस बार माइनस टू इंटू माइनस वन होने की वजह से वो पॉजिटिव टू बनेगा तो वन प्लस टू आयोटा टू रूट थ्री आयोटा प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर बट आयोटा स्क्वायर तो नेगेटिव वन होता है इसलिए माइनस थ्री बनेगा डिवाइडेड बाय फोर सिंपल है ऊपर फिर से सॉल्व करोगे तो आपको वन माइनस थ्री दिख रहा है तो वन माइनस थ्री बिकम्स माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय फोर सिंपल है अब यहां पे देखो बच्चों कुछ कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है क्या फिर से आपको यहां पे टू कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर का टू कॉमन लोगे तो बचेगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय फोर अगर यहां पे देखोगे टू के टेबल में क्या फोर आ रहा है क्या एबसोल्यूटली टू वन टू टू जर एंड यू गेट द आंसर ओवर यज माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू क्या ये मैच कर रहा है बच्चों मेरे ए के वैल्यू के साथ डेफिनेटली मैच कर रहा है बच्चों एंड आई कैन से देर फोर बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट भी कर लिया एंड इट वाज एज सिंपल एज़ दैट होपफुली आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट तो छोटा सा इसमें था बाकी पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड तक आप अलजेब्रा जो यूज करते आ रहे वही मैंने किया है ओके लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 18 गाइस जो कि एक्सरसाइज 1.1 का ही कंटिन्यूएशन होने वाला है कि इफ x आयोटा y a आयोटा b द होल क्यूब शो दैट x अपॉन a plus y upon b is equal to 4 times a square minus b square. अभी दिखने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस जरूर लगते हैं बट अगर आपने अप्रोच को समझ लिया यहाँ पे कि हमें करना क्या है हमें शुरुआत कैसे करना है तो ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल हो जाते हैं जैसे गिवन का इस्तेमाल हम लोग पहला करेंगे एंड फिर जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे फिलहाल हमारे पास कुछ गिवन चीज है बच्चा उसको पहला देखो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी द होल क्यूब नाउ टेक अ पॉज यहां पे डीप ब्रेथ एंड सोचो कि ये मुझे वहां पे जो सॉल्व करना है वो तो बाद में की बात है पहले जो गिवन डेटा है उससे हम कुछ कर सकते हैं क्या

स का वैल्यू मिल सकता है वाई का वैल्यू मिल सकता है जो कि हमारे वो जो प्रूव वाला पार्ट है उसमें काम आ सकता है हम लोग को डेफिनेटली सो आर वी गोइंग टू डू हम वही करेंगे आयोटा आयोटा द होल क्यूब में यहां पे आप ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ये बार बार ये सारे आइडेंटिटीज आ रहे हैं मतलब आप समझ सकते कितने इंपॉर्टेंट है ये सारे चीजें प्लीज पढ़ाई करना प्लस बी द होल क्यूब मतलब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है एक्सैक्ट क्लियर तो ए क्यू मतलब ए क्यू भी रहेगा प्लस थ्री ए स्क्वायर भी मतलब थ्री ए स्क्वायर आयोटा भी हो जाएगा प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब थ्री ए आयोटा बी द होल स्क्वायर बनेगा प्लस आयोटा बी द होल क्यूब हो जाएगा वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए राइट यहां पर बच्चो एक्स प्लस आयोटा वाई को मैंने वैसे ही रखा ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा एंड थ्री ए स्क्वायर आयोटा बी भी वैसा ही रहेगा तो मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा लिखा बिकॉज आयोटा को लास्ट में रखते हैं एंड देन 3a ए आयोटा बी द होल स्क्वायर यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 3 और a वैसे रहेगा बट आयोटा का स्क्वायर भी बनेगा एंड b का स्क्वायर भी बनेगा अब B का स्क्वायर स्क्वायर तो होता है, बट आयोटा साइन माइनस आया बिकम थ्री ए स्क्वायर गायब हो गया वो बना दिया, सिंपल है एंड प्लस आयोटा बी द होल क्यूब यहां पे भी बी का क्यूब बी क्यूब होता है बट आयोटा का क्यूब हमने पावर्स ऑफ आयोटा में पढ़ा है आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है तो दिस विल बिकम माइनस आयोटा बी क्यूब सिंपल है ब्रैकेट निकल गया क्योंकि आयोटा का काम हो गया आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा एंड बी क्यूब रहेगा सिर्फ सिंपल ओके अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई तो वैसे ही रहेगा बट यहां पे मैं सारे रियल पार्ट्स को एक साथ ला सकता हूं एंड इमेजिनरी पार्ट को बाजू में आयोटा वाला तो यहाँ पे रियल पार्ट में ए क्यूब करके दिखेगा आप लोग को एंड माइनस थ्री ए बी स्क्वायर करके दिखेगा ये सारे रियल पार्ट्स है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है एंड जिसमें आयोटा है उसको एक साथ लाकर उसको मैं क्लब कर सकता हूं जैसे थ्री ए स्क्वायर बी आयोटा जो है एंड माइनस आयोटा बी क्यूब जो है ये दोनों को मैं एक साथ ला सकता हूं वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है right? राइट अगर आप लोग देखोगे प्लस आयोटावाई इज इक्वल टू तो ए क्यूब माइनस थ्री एस बी स्क्वायर में जो आप लोग को दिख रहा है ए कॉमन है वहां पे भी कैन यू सी दोनों के पास ए एक कॉमन फैक्टर है तो मैंने ए को कॉमन लिया एंड ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर कर दिया एंड अगर आप लोग देखोगे दूसरे वाले में आप लोगों को क्या क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है सिर्फ आयोटा कॉमन फैक्टर नहीं है बट बी भी कॉमन फैक्टर है तो क्या मैं प्लस आयोटा बी को कॉमन ले सकता हूं अगर मैंने आयोटा बी को ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा यहां तक चीजें है अब आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे इक्वालिटी बन चुका है लेफ्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आप यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते हो एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते हो वेरी सिंपल तो यहां पे रियल पार्ट है बच्चा एक्स तो एक्स, एक्स के यहाँ पे रियल पार्ट के साथ हो जाएगा विल बिकम ए मल्टीप्लाइड माइनस थ्री बी जाएगा एंड जो आयोटा वाई में वाई जो है जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो इधर के इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट हो जाएगा मतलब किसके साथ बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको आयोटा लेने की कोई जरूरत नहीं है तो वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है वो इमेजिनरी नंबर जरूर है बट हमारा बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है मतलब यहाँ पे y जो है वो तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पे तो अच्छी बात देखो जरा अच्छी तरह से देखो यू विल फाइंड आउट अब मुझे यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया एंड y का वैल्यू मिल गया अब मैं क्या करने वाला हूँ हम अभी ये जो प्रूफ वाला पार्ट है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चा मेरा अभी एक्स अपॉन ए है प्लस वाई अपॉन बी है दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे एंड कैसे भी करके हमें राइट हैंड साइड मिलना चाहिए बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते वक्त आप जरा अच्छी तरह से देखो तो आपको x अपॉन ए में x का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है देखो बाजू में ही लिखा है तो x का वैल्यू कितना है बच्चों इट बिकम्स a इंटू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a वो तो वैसे ही रहेगा प्लस y अपॉन बी में y का वैल्यू कितना है बच्चा b मल्टीप्लाइड बाई थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b सिंपल है अगर आप यहां पे देखोगे तो ए एंड ए विल गेट कैंसल्ड बी एंड बी विल आल्सो गेट कैंसल्ड तो बचेगा क्या बचे यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जो होगा ए एंड ए कैंसल होने की वजह से वहां पे सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस वहां पे b एंड b कैंसिल होने की वजह से बचेगा थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या अभी इस ब्रैकेट को आप लोग ओपन नहीं कर सकते क्या डेफिनेटली कर सकते हैं सो वट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फोर ए स्क्वायर बनेगा एंड माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा माइनस फोर बी स्क्वायर वेरी इजी राइट right? अभी बचा है बच्चों सिर्फ एक ही स्टेप वो है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अगर आप करोगे तो दोनों के पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है वो है, 4. तो आप 4 को अगर लेते हैं तो आपको बचता है ब्रैकेट में, question, as as so, दिखने में बड़े डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन होते हैं बट होते तो बड़े सिंपल है कुछ कॉन्सेप्ट में है ही नहीं इसमें आई होप सब लोग को दोनों

हम लोग वही अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग को दिया है मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं जो एक गिवन करके दिया है उस गिवन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डू समथिंग और दी अदर ऑफ दैट पार्ट एंड एक बार हमें कुछ एक डिजायर्ड वैल्यू मिलने के बाद हम चेक करेंगे क्या फाइव ए माइनस सेवन सच में जीरो हो रहा है क्या बाय लेफ्ट लेकर राइट हैंड साइड को इक्वेट करना क्लियर है चलो अब ए प्लस थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा में मैं कर क्या कहूंगा वैसे तो कुछ करने के लिए है नहीं तो मैंने क्या किया मालूम है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रखा एंड राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की कोशिश की एंड उसको सॉल्व किया तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा खासा था ही बट वो डिनोमिनेटर था वहां पे मुझे वो डिनोमिनेटर को हटाना है मैं क्या करूंगा या तो मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले सकता हूं चलेगा नहीं तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई मतलब क्या होगा कि ए प्लस थ्री आयोटा जो है दैट विल बिकम वन माइनस आयोटा एंड टू प्लस आयोटा भी उधर लेके गया है ना अब मैं करूंगा क्या बड़ा सिंपल है ए प्लस थ्री आयोटा को वैसे रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड का एंड जो राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट है उसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा उसको सॉल्व करूंगा एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाने की कोशिश करूंगा फिर इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा टू प्लस आयोटा बी जो है तो हम भी इसमें क्या करने वाले यहाँ पे देखो ए प्लस थ्री आयोटा इज इक्वल टू वन इंटू टू होता है टू वन इंटू आयोटा बी होता है आयोटा बी एंड यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू टू हो जाएगा माइनस टू आयोटा एंड देन माइनस आयोटा इंटू आयोटा बी अगर आप लोग देखोगे तो इट विल बिकम माइनस बी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा वेरी सिंपल थिंग तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इट विल बिकम ए प्लस थ्री आयोटा तो वैसे ही रहेगा टू प्लस आयोटा बी को भी मैंने वैसे ही रखा माइनस टू आयोटा सेम था बट अगर हम लोग देखोगे आयोटा का स्क्वायर जो है दैट विल विल बिकम बिकम तो दिस प्लस बी बिकॉज वहां पर माइनस ऑलरेडी साइन था अब हम यहाँ पे क्या करेंगे सारे चीजों को क्लब करेंगे मतलब सारे रियल पार्ट को मतलब टू प्लस बी विल कम टूगेदर एक ब्रैकेट में डाल सकते हो चाहो तो एंड दूसरे यहां पे आप लोग को क्या मिलेगा तो इट विल बिकम प्लस आयोटा बी हो जाएगा एंड माइनस टू आयोटा हो जाएगा उसको हम लोग Iota को कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, विल रिमेन बी माइनस टू करके मिलेगा ब्रैकेट में एंड आयोटा इक्वेट कर दिया तो हमें यहाँ पे A का जो है, क्या मिलेगा ए विल बी कम टू प्लस बी बराबर ना ए विल बिकम टू प्लस बी बिकॉज वो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट है तो टू प्लस बी आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम आपका जो इमेजिनरी पार्ट है जो कि थ्री है बच्चा वो थ्री किसके साथ इक्वल हो जाएगा इट विल बिकम बी माइनस टू के साथ इक्वल हो जाएगा वेरी सिंपल आपको नहीं लगता बच्चा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू दोनों मिल सकता है अभी फिलहाल देखोगे तो ए इज इक्वल टू टू प्लस बी से मुझे किसी का भी वैल्यू नहीं मिल रहा है बट अगर आप लोग ने दूसरा वाला पार्ट जो देखा थ्री इज इक्वल टू बी माइनस टू तो माइनस टू को उधर लेके जाके बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू बनेगा एंड बी का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 5 तो so, बी का वैल्यू 5 मिलना बड़ा आसान था एंड वंस यू गेट दी वैल्यू ऑफ बी आप आसानी से बी का वैल्यू ए के यहाँ पे डाल सकते हो तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू 2 5 मतलब 7 मिलेगा सो यू गॉट दी वैल्यू ऑफ ए एट 7 एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ बी एज़ 5 तो so, कितना आसान था बच्चों यहां पे ए का वैल्यू निकालना एंड बी का वैल्यू निकालना बट क्या हमें यहां पे ए एंड बी का वैल्यू पूछा था क्या बिल्कुल नहीं हमें यहां पे पूछा है 5a 7b का वैल्यू 0 होना चाहिए सिंपल एलएचएस ले लो एल एच एस आपका क्या है फाइव ए माइनस सेवन बी है यहाँ पे ए का वैल्यू मिल चुका है बी का वैल्यू मिल चुका है सब्सिट्यूट करो तो फाइव इंटू ए बनेगा फाइव इंटू सेवन एंड सेवन इंटू बी बनेगा सेवन इंटू फाइव अगर आप देखोगे फाइव इंटू सेवन भी थर्टी फाइव भी होता है थर्टी फाइव ही होता है सो इट्स लाइक थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव कर रहा तो so आंसर क्या मिल रहा है जीरो मिल रहा है सो यू गॉट दी आंसर एट जीरो माइनस सेवन बी इज इक्वल टू जीरो मेरा एल एच एस और मेरा आर एच एस प्रूव हो गया इक्वल करके

प्रूफ दैट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बच्चों में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या तो जिस बच्चे ने टेंथ स्टैंडर्ड में पास होकर खुद एकदम सोचकर इंटेंशनली एक परपजली खुद बोला है कि मैं साइंस लेना चाहता हूं तो आप लोग ने कुछ सोच समझ कर ही होगा कि आप साइंस लेना चाहते हैं साइंस में मैथ्स लेना चाहते हो इसका यही मतलब हुआ रहेगा कि आपका टेंथ स्टैंडर्ड तक मैथ्स बहुत अच्छा रहा होगा फॉर दोज पीपल जिसका मैथ्स अच्छा नहीं था टेंथ स्टैंडर्ड तक मैं तो आपको फिर भी बोलता हूँ कि आप साइंस ना ले तो ही बेस्ट है देर आर सो मेनी अदर ऑप्शन टू एक्सप्लोर अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो बिकॉज टेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स का नॉलेज होना जो हम लोग ने एट स्टैंडर्ड नाइन्थ और टेंथ में जो बेसिक basic... मैथमेटिक्स की पढ़ाई की जैसे एलजेबरक आइडेंटिटीज हो या ऐसे बहुत सारे चीजें इसका नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सो so, होपफुली आप लोग को ये सारे चीजों का नॉलेज है बिकॉज एज एन स्टैंडर्ड टीचर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये छोटे छोटे चीजें नहीं बता पाऊंगा कि ये कैसे होता है क्यों होता है आप लोग को वो खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसे टाइप के फॉर्मूले भी हुआ करते थे एंड हमने वो पढ़ाई किया था या हमने उसको इग्नोर किया था बट राइट नाउ वी नीड टू स्टडी दट तो यहाँ पे कुछ, -कुछ चीजें ऐसे होने वाले हैं जहां पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला बोलेंगे जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ाई किया था एंड वो फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं राइट right? तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये भले डिफिकल्ट लगता है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ थोड़ा सा आप लोग को प्रीवियस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी डिडेड बाई सी प्लस आयोटा डी तो सबसे पहले मुझे पता है हमने टेंथ स्टैंडर्ड तक पढ़ा है कि अगर हमें रूट दिखता है तो हमें रूट पसंद नहीं है तो अगर हमें रूट को निकालना है तो हम करते क्या स्क्वायरिंग द साइड अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ द साइड तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई द होल स्क्वायर ज इक्वल टू एंड राइट साइड में स्क्रिंग करने के वजह से रूट हट जाएगा तो इट विल बिकम फिलहाल के लिए तो सारी चीजें बड़े स्मूथ और मक्खन जा रहे हैं मैंने यहां पे फिलहाल के लिए एक्स प्लस आयोटा वाई द होल स्क्वायर को एक्सपांड नहीं किया अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों नहीं किया कर सकता हूं बट बार 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 लिखने में बोर होगा मुझे एंड बार 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 लिखने में टाइम जाएगा बाद में एक्सपांड कर लेते हैं अभी फिलहाल उसको रहने देते हैं मैंने राइट हैंड साइड में ए प्लस आयोटा बी अपन सी प्लस आयोटा डी देखा ना तो मुझे मैंने सोचा कि यहां पे डिनोमिनेटर आने के वजह से क्यों ना इसको रैशनलाइज किया जाए मतलब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाए तो मैंने क्या किया ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी जो है उसको मल्टीप्लाई किया विद डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब सी माइनस आयोडा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे ही रहने दिया फिलहाल के लिए हम इसको एक्सपांड करेंगे बाद में करेंगे ओके एंड यहां पे देख सकते हो तो ए प्लस आयोटा बी एंड सी माइनस आयोटा डी वो ऊपर वैसे रहेगा फिलहाल उसको वैसे रहने देते हैं बट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट मैंने यहां पर लिखा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्यू समझ में आया शॉर्टकट समझ रहा है बच्चा अभी क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से बनेगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर तो नेगेटिव वन होता है इसलिए वो माइनस को प्लस में बदलेगा एंड वो गायब हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिए आपको भी ये डायरेक्टली आना चाहिए अभी तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो थोड़ा सॉल्व करके देखो खुद से आपको पता चलेगा कि मेरा सी स्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसे आया

डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सिंपल है चलो अभी आगे इसको थोड़ा सा करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा वहां पे जो आयोटा स्क्वायर दिख रहा है वो नेगेटिव बनेगा एंड वाई स्क्वायर हो जाएगा सिंपल इज इक्वल टू यहां पे अगर आप लोग देखोगे फिर भी आयोटा स्क्वायर अभी भी बाकी है थोड़ा उसको सॉल्व कर लेते हैं तो एसी माइनस एडी आयोटा प्लस सीबी आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा आयोटा स्क्वायर है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा तो प्लस बी डी बनेगा अभी कुछ अप्रोच समझ में आ रहा है अभी और कुछ बाकी है क्या बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे हम लोग को है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर इक्वेट करना बड़ा आसान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्सवायर देखे आप लोग ने मैंने रियल वाले पार्ट को पहला रखा एंड मैंने कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाजू में रखा इक्वेट करना आसान होता है भाई समझ में आ रहा है ना तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो इधर भी ऐसा किया जा सकता है कि डेफिनेटली तो so अगर आप लोग देखोगे एसी एंड बी डी जो दिख रहा है वो रियल पार्ट है तो यहां पे मैं ए सी प्लस बी डी लूंगा एंड उसके बाद प्लस सी बी आई लूंगा एंड ए डी एडीआई लूंगा बट उसमें आयोटा को कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम प्लस सी बी माइनस ए डी एंड बाहर आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्लियर है अब यहां पे मजे की बात देखो बच्चों यही मैं बोल रहा हूं टेंथ स्टैंडर्ड के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं समझने हैं अगर मैं देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर बना तो है बट इसमें रियल पार्ट को बाजू में और इमेजिनरी पार्ट को पूरी तरह से बाजू में अब तक मैंने किया नहीं है कैसे नहीं किया बताता हूं यहां पे देखो एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा को वैसे रखा तो यहां पे रियल पार्ट को अगर मुझे बाजू में करना है तो क्या मैं वो डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकता हूं बच्चों कुछ इस हिसाब से यहां पे देखो ए सी प्लस बी डी होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हो गया मेरा रियल पार्ट प्लस सी बी माइनस ए इंटू आयोटा डिवाइडेड by सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैंने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को दो जगह पे बांट दिया ऐसे कर सकते हैं ना. ना पता है ना? आप लोग को पता होगा सो आई टू एक मेरा रियल पार्ट बन गया मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया अब मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर सकता हूं डेफिनेटली कर सकता हूं अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में दैट विल बिकम इक्वल टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो कि रियल पार्ट है राइट हैंड साइड में एट द सेम टाइम मेरा टू एक्स वाई जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में विल बिकम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो जाएगा मतलब cb माइनस एडी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा राइट right? चलो अब मुझे एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया टू एक्स वाई का वैल्यू मिल गया आगे क्या आगे इधर मैं कुछ नहीं कर सकता नोट डाउन करना मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला है एंड मुझे टू एक्स वाई का वैल्यू मिला है इसका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं अभी के लिए तो इसको नोट डाउन करना नहीं तो इक्वेशन नंबर वन करके मार्क करके बाजू में रखना फिर से बोल देता हूं हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला है एंड टू एक्स वाई का वैल्यू मिला है याद रखना नहीं तो लिख के रखना ओके okay, अब मैं क्या करने वाला हूं हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब प्लस वाई स्क् होल स्क्वल टू ए स्वायर प्लस बी स्क् डिवाइडेड बाय सी स्क्स डी स्वायर अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहला लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूं इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट एंड मैंने आपको बोला था कि आपको टेंथ स्टैंडर्ड तक का एलजेब्रक आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए मैं इधर बात कर रहा था एक्सक्वायर प्लस वाई स्क् होल स्क्वायर कुड ऑल्सो बी रिटन एज ध्यान से सुनो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैसे हुआ यहाँ पे एक फॉर्मूला है बच्चों में फॉर्मूला लिखा हुआ यहाँ पे जरा देख सकते हो द फॉर्मूला इज ये देखो जरा ध्यान से देखना ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ये फॉर्मूला है बच्चों ए प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है ना हमेशा वो ए माइनस बी द होल स्क्वायर से फोर ए बी से ज्यादा होता है ये एक फॉर्मूला है अब मैंने वही फॉर्म्यूला वहां पर यूज किया देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी मतलब फोर एक्सक्वायर वाई स्क्वायर समझा मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा प्लस क्या मैं बच्चों वो फोर एक्सक्वायर वाई स्क्वायर को टू एक्स वाई द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ सोचो, फोर 4 4 किसका स्क्वायर होता है टू का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर किसका होता है एक्स का होता है वाई स्क्वायर किसका होता है वाई का होता है तो टू द होल स्क्वायर बन गया वो सिंपल है अब ये ऐसा मैंने क्यों किया होगा आप लोग के मन में चमका बचा क्योंकि मैंने लिख के रखा था आप लोग को बताया था आपको याद है एब्सोल्यूटली मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका था एंड मुझे टू एक्स वाई का वैल्यू भी मिल चुका था याद है बच्चों अभी हम यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला था बच्चा इट वॉज ए सी प्लस बी डी होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बट उसका स्क्वायर होगा बिकॉज यहां पे स्क्वायर भी है प्लस टू एक्स वाई का वैल्यू मिला था बच्चों कितना सी बी माइनस एडी होल डिवाइडेड बाई सी स्वायर प्लस डी स्क्वायर बट उसका भी स्क्वायर होगा बिकॉज टू एक्सवाई का स्क्वायर है सिंपल है अब फिर से इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा बट एक मजे की बात है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे देखो एसी प्लस बी डी द होल स्क्वायर जो है उसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी ए बी सी डी देखो ए सी बी डी दिख रहा है तो एबीसीडी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर यह हो गया ऊपर का ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी द होल स्क्वायर यहां पर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर है प्लस यहां पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू फिर से एबीसीडी करके दिख रहा होगा आप लोग को वहां पर मैंने अरेंज कर दिया है प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी होल स्क्वायर बनेगा अगर आप देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं अगर हम क्लब करेंगे बच्चा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर वैसी रहेगा बट बाद में देखोगे तो प्लस टू ए बी सी डी जो है एंड वो माइनस टू ए बी सी डी है वो कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर जो मैंने लास्ट वाला हैल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दी होल स्क्वायर बन गया वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड सो फार अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं ध्यान से सुनना अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स है उसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप को। उन दोनों में आप लोग को कॉमन ए स्क्वायर दिख रहा है अगर कॉमन ए स्क्वायर है तो बचेगा क्या बचो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा प्लस बाकी के दो टर्म में आप लोग को कॉमन क्या दिख रहा है बी स्क्वायर दिख रहा है अगर बी स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा क्या बचो सी स्क्वायर प्लस बी होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस द होल स्क्टली सी स्क्वायर प्लस बी स्क् कैंसिल नहीं कर सकते तो हम लोग ने इक्वेशन में सीखा था कि ब्रैकेट्स अगर जो कॉमन आते हैं हम उसको एक साथ लेते हैं तो सी स्क्वायर प्लस बी एक ब्रैकेट में आएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर अगर आप ऊपर एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कैंसिल करते हैं नीचे वाले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ तो ऑल द थिंग्स आर रिमेनिंग ओवर हियर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द न्यूमरिटर एंड डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चेक करो बच्चों क्या यही मेरा आरएचएस था क्या तो ये हो चुका है क्वेश्चन so, को खत्म कर दिया आप फाइनल स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू प्रूफ दिस बड़ा वाला क्वेश्चन एंड आज का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है होपफुली आप लोग सभी लोगों को आज के चार क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं एंड होप फुली आप सभी लोगों को समझ में आने के बाद अच्छा भी लगा हो तो इफ यू रियली हैव लाइक दिस वीडियो जेन्यूनली तो लाइक like करना इस वीडियो को शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एट द सेम टाइम डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड सपोर्ट मी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लव यू ऑल थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग